मध्य प्रदेश में नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जिम्मेदार परीक्षा कराने वाली एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय के कैंपस परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र छात्राएं मौजूद थे। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विक्रम विश्वविद्यालय कैंपस के मुख्य गेट पर एकत्रित होकर नीट परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नीट यूजी 2024 के आयोजन के दौरान गड़बड़ियां तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया व परीक्षा परिणाम पर उठ रहे सवालों के समाधान के लिए सीबीआई जांच मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गेट पर अभाविप के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य ऋतिक नागर ने संबोधित करते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई। परिषद के महानगर मंत्री आदर्श चौधरी ने कहा कि इस परीक्षा के आयोजन के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में गड़बड़ियां सामने आई थी। देश भर में विद्यार्थी परिषद द्वारा सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उसी के तहत उज्जैन में भी विक्रम विश्वविद्यालय के कैंपस में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महानगर सहमंत्री और परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। परिषद मैदान में भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनटीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनटीए हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। एनटीए हाय हाय, हाय। ये जो नीट परीक्षा में जो घोटाला हुआ है और जो रिजल्ट आगे जो डेट पे आने वाला था निश्चित तारीख पे वो 4 जून पे घोषित हुआ है, उसमें इतना मतलब जो रिजल्ट है आज तक जो रैंक नहीं आई है इतने बच्चों की, एक सेंटर से वो जो आई है उसके निमित्त हमने प्रदर्शन किया है ताकि एग्ज़ाम में सही रिजल्ट घोषित हो सके और जो भी छात्र छात्राओं ने मेहनत करी है उनको इसका सही रिजल्ट मिले, इसलिए हमने ये प्रदर्शन आज किया है। साक्षी यादव, उज्जैन महानगर सहमंत्री। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन महानगर द्वारा जो नीट विद्यार्थियों के साथ जो एनटीए द्वारा जो घोटाला किया गया है, जो पेपर लीक की गई है, जो 26 लाख विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया गया, उस अन्याय को लेकर के उन छात्रों की आवाज़ बनने का काम विद्यार्थी परिषद उज्जैन महानगर द्वारा किया है। उज्जैन महानगर ने यह मांग की है कि जल्द से जल्द एनटीए पे सीबीआई की जाँच हो, जो आंकड़े जो उनको रिजल्ट 10 दिन पूर्व उन्होंने घोषित किया, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं जो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था उसी दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट करना, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं उसके अंदर एलटीए पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस प्रकार से पूरे देश भर इलेक्शन में और पूरे मीडिया इलेक्शन में व्यस्त थी, उस दिन रिजल्ट घोषित करना, साथ ही एक ही सेंटर से 6-6 एयर इंडिया रैंकिंग देना, आज तक के इतिहास में 1-2 रैंकिंग आई है, वो इतिहास के बावजूद एक सेंटर से 6 रैंकिंग देना, ये दर्शाता है कि एनटीए उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। इंडिविजुअल विद्यार्थी को लाभ देने के चक्कर में एनटीए ने ये सब कुकर्म किए हैं। उसमें 5-6 रोल नंबर एक जैसे छात्रों के समीप है, क्या मानते हैं उसमें बिल्कुल साठगांठ दिखती है। उस साठगांठ के विरोध में विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में आज आंदोलन कर रहा है। परसों सूरत से ये आंदोलन की शुरुआत की गई है और आज पूरे देश भर में उस साठगांठ को लेकर के सीबीआई की जांच हो, यही विद्यार्थी परिषद मांग करता है। उसमें क्लियर दर्शाता है जे अगर विद्यार्थी 720 नंबर का पेपर होता है उसमें आंसर करेक्ट होता है तो 4 नंबर मिलते हैं और गलत होता है तो -1 होता है। अगर -1 होगा एक इंडिविजुअल नंबर गलत होगा तो विद्यार्थी के 720 में से या तो 715 आएंगे या 716 आएंगे, परंतु 718 और 719 नंबर देना विद्यार्थी को यह दर्शाता है कि एनटीए उसके अंदर पूरी भ्रष्टाचार है और उसने पेपर लीक किया है। आदर्श चौधरी, उज्जैन महानगर मंत्री। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।